पंढरीनाथ कांबळेची मुख्य भूमिका असलेला येड्यांची जत्रा हा सिनेमा येत्या 3 फेब्रुवारीला रिलीज होतोय. अभिनेत्री श्वेता तिवारी पहिल्यांदाच या सिनेमातनं एका मराठमोळ्या लावणीवर थिरकताना दिसणार आहे आणि या निमित्तानं श्वेताशी खास बातचीत केली आहे आमची रिपोर्टर मनाली पवारनं. मराठी सिनेसृष्टीला आता एक नवा चेहरा मिळाला आणि हा चेहरा आहे तो म्हणजे बिग बॉस सीझन 4 ची विनर श्वेता तिवारी. श्वेता आयबीएन लोकमत मध्ये स्वागत. श्वेता, एक सिनेमात लावणी म्हणून तू परफॉर्म करतेस येड्यांची जत्रा, तर सगळ्यात आधी हा अनुभव, एक नवीन अनुभव तुझ्यासाठी कसा आहे? आयटम नंबर्स आम्ही पाहिलेले आहेत श्वेताचे. हाँ, मैंने पहले डांस किए हुए हैं हिंदी मूवीज़ में, बॉलीवुड में किया हुआ है, बट मराठी में पहली बार करा रही हूँ. और मराठी में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मराठी गाना है, इट्स अ प्रॉपर लावणी. एंड लावणी फॉर्म ऑफ, ये जो मराठी का ये फॉर्म ऑफ डांसिंग होता है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ डांसिंग. तो इसमें करते वक्त मेरे आंसू तक निकले, पैर में भी दर्द हुआ, बहुत डिफ़िकल्टी हुई करने में. लेकिन जब मैंने किया, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. और जब मैं उसे स्क्रीन पे देखती हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि इट वॉज दैट डिफिकल्ट. बट जब हम कर रहे थे, दैट वॉज दैट टाइम लावणी वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डांस मैंने अब तक जो भी किया था, उसमें ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था. लेकिन इस डिफिकल्ट डांस को बहुत ही आसान जो बनाया है वो जी है कोरियोग्राफर सरोज खान जी ने. तो उनके साथ काम करते हुए कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम लावणी परफॉर्म किया, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम कोरियोग्राफ किया? अच्छा, अम्मा के साथ मेरी एसोसिएशन पहले से रही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुझे पहली बार बोला कि नहीं, लावणी के लिए आओ. मैं गई लावणी करने के लिए. एंड अम्मा का ऐसा है कि वो शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर स्टेप्स. तो अगर उन्हें ये बोला जाए कि अम्मा ये स्टेप नहीं आता, क्या हम चेंज कर दें, तो अम्मा कहती नहीं, जो है ऐसे कैसे नहीं आता, लर्न, रिहर्स, प्रैक्टिस करो एंड यू हैव टू डू दिस स्टेप. तो हम एक स्टेप को सीखते बैठी रहती थी. अम्मा इज़ वेरी पर्टिकुलर, ये है तो ये है, यही करना होगा. सो उसमें आपका बहुत 100% से ज़्यादा डल जाता है. सो बट इतना था कि अगर हम, अम्मा हमारी सुनती कि नहीं ऐसा ही करो, हम चेंज कर देते, तो शायद मैं लावणी का वो प्रॉपर फॉर्म नहीं कर पाती. नाउ बिकॉज ऑफ अम्मा मैंने लावणी का प्रॉपर फॉर्म किया हुआ है. जेरी इज़ माय डिज़ाइनर. जेरी को मैंने कहा कि लावणी बनाना है एंड दे वांट अ लिटिल मॉडर्न लावणी, बिकॉज ये अम्मा के इंस्ट्रक्शंस थे, सरोज अम्मा के, कि थोड़ा अलग वेस्टर्न लावणी थोड़ा सा, सो लिटिल वेस्टर्न लुक इन दिस इन लावणी. तो मैंने उनको दिखाया, वो हैंगर पे लगा कर बहुत अच्छा सा लेकर आए थे. मैंने देखी, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है वो. जब उसने मुझे दिया पहनने के लिए, तब पता चला जितनी भारी मैं, उससे डबल भारी मेरा लावणी ड्रेस, ज्वेलरी पीस लगा कर सब कुछ, इतना भारी, उसके ऊपर से वो भारी घुंघरू, तो पूरी ना मेरा डबल वेट हो चुका था. मेरे वेट से ज़्यादा वेट मेरे कपड़ों का था. उसके बाद अम्मा का वेट वाला डांट, सब कुछ के लिए इतना भारी भारी डांस हो गया था ये पूरा. जब आप देखेंगे मेरा गाना तो आपको पता चलेगा कि मैं सच में इतना बोझ उठा के नाच रही हूँ. मेरे ऊपर इतना भारी बोझ है. श्वेता, पण तुझ्यासाठी अशी कुठली स्टेप होती की जी करणं खरंच खूप त्रास झाला, खरंच डिफिकल्ट वाटली, खूप शिकायला थोडा वेळ लागला, अशी कुठली स्टेप्स होती? उसमें देखा जाए तो सारे स्टेप्स ऐसे थे जो नॉर्मल बॉलीवुड में नहीं किए जाते. वो खासकर घुंघरू पहन के डांस करना और वो थोड़ा जो पैर मैच करना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट जब शुरू होता है स्टार्टिंग में. और उसके बाद घूम घूम के आगे जाके पीछे आना, ये सब करना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो हर चीज़ में बहुत डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो वो नॉर्मली आपको बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलता है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डांस. तो हर स्टेप में मुझे बहुत रिहर्सल करनी पड़ी थी. श्वेता, तुमचं सगळं जे बालपण आहे हे टिपिकल मुंबईमध्ये झालेलं आहे, काळा चौकीमध्ये बालपण गेलेलं आहे, तर श्वेता अजून मराठी कवी शिकली आहे बोला? नाही, मराठी स्कूल में थी, आसपास में जब छोटी थी, आई यूज़ टू स्पीक इन मराठी, मेरे थे लोग. लेकिन उसके बाद फिर कॉन्वेंट स्कूल में जाना, और वहाँ से कॉन्वेंट स्कूल में आप जानते हो कि ज़्यादातर इंग्लिश में बात करो, इंग्लिश में ही बोलना हो, और घर में यूपी माहौल होने की वजह से हिंदी में बोलना. सो हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा कॉम्बिनेशन हुआ. और बॉम्बे में रहने की वजह से मुझे मराठी बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है. हाँ, गानों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, टिपिकल वर्ड्स नहीं आते, लेकिन मराठी अच्छी तरह से समझ में आती है. इनकेस अगर मुझे रास्ते में किसी से पता पूछना है तो कहती हूँ कि दादा
हेकुटे इतना थोड़ा बहुत बोल लेती हूँ मैं, बिकॉज मेरा सब्जेक्ट रहा है मराठी भी, मैंने स्कूल और कॉलेज में पढ़ा है, सो दैट वे आई एम क्वाइट कम्फर्टेबल. लेकिन फ्लुएंटली जैसे आप लोग बोलते हो वैसा नहीं आता मुझे बोलना. पण आता जे आता येड्यांची जत्रा या सिनेमामध्ये लावणीवर थिरकताना आम्हाला दिसती आहेस, पण मग आता ॲक्टिंग करताना कधी दिसणार आहे? मी तो पण एक देखिए मेरे ख्याल से कि महाराष्ट्र में जो स्पेशली मराठी लैंग्वेज पे जो मूवीज बनती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, और मेरे ख्याल से व्हेन इट कम्स टू थिएटर, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, मराठी एक्टर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है. दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड. सो आई वुड लव टू शेयर अ स्क्रीन विद एनी मराठी एक्टर्स. आई थिंक दे आर वेरी वेरी गुड. लेकिन उसके लिए अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है कि मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई शुड एक्सेप्ट इट, आई विल डेफिनेटली डू इट. श्वेता, आपकी नज़ाकत तो हम नहीं देख पाए अभी, लेकिन क्या आपसे जो लावणी आपने परफॉर्म की है उसके शब्द सुन सकते हैं? उसके शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो याद है वो यही बोलती हूँ कि रुतला गबाई रुतला काटा इश्काचा जीवारी रुतला, कुछ ऐसा था. लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ दिन पहले मराठी के गाने मैं देखती रहती हूँ, देवामाला रोजे एक आपघात कर. दैट्स वेरी नाइस सॉन्ग, टू फनी, हिलेरियस सॉन्ग, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. जब भी वो कभी आता है किसी रेडियो पे कहीं, मतलब मैं फुल वॉल्यूम में सुनती हूँ कि देवामाला रोजे एक आपघात कर. आई थिंक दैट इज सुपर हिलेरियस. आजकल ये गाना मैं देख रही हूँ. तो ये गाना ड्राइव करते समय नहीं सुनना चाहिए. और वो ड्राइव करते हुए सुनाई दे जाता है, मैं क्या करूँ. थैंक यू सो मच श्वेता, एंड ऑल द बेस्ट. थैंक्स अ लॉट. वीडियो जर्नलिस्ट अरुण पेड़ने का सह मनाली पवार, आईबीएन लोकमत.